दोस्तों कीबोर्ड कैसियो सीटी के 2550 में ये जो सारी कीज दी गई रहती हैं, इसी में से यहाँ पे एक की है जिसमें लिखा गया वर्चुअल हॉल। इसका यूज आप किसी भी सॉन्ग में कर सकते हैं। जब भी कोई आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो तब अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो उसमें कुछ होगा। क्या होगा आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये बटन आपके गाने में क्या इफेक्ट डाल सकता है। इसके लिए मैं सॉन्ग बैंक से कोई एक सॉन्ग लगा लेता हूँ। जैसे मैंने सॉन्ग बैंक वाली बटन प्रेस किया, अब यहाँ से मैं पीछे चलते चलते मान लीजिए 62 नंबर का एक सॉन्ग लगा लेता हूँ। इसी को मैं प्ले करूंगा। नॉर्मली ये प्ले होता है रिवर में। यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले पे एक आपको रेक्टेंगुलर ऐसे सिंबल दिख रहा होगा, यही शिफ्ट होता है। अभी देखिए रिवर पे है, जब ये वाली बटन मैं दबाऊंगा तो नीचे वर्चुअल हॉल पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है एप रिवर्ब वर्चुअल हॉल, तो यही रेक्टेंगुलर बॉक्स जब नीचे खिसक के चला जाए वर्चुअल हॉल पे आ जाए, यानी वर्चुअल हॉल ऑन हो गया। फिर से इसी बटन को दबाएंगे तो ऊपर रिवर पे चला जाएगा। लेकिन हमें जानना है कि ये हमारे टोन में सच में क्या इफेक्ट डालता है, क्या चेंजेस डालता है। आप ध्यान से सुनिएगा, वैसे माइक में आपको उतना समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी समझ में तो आएगा कि हाँ कुछ चेंज हुआ है। रियल में एक्चुअल में जब आप सुनेंगे लाइव तो आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आएगा। आइए मैं इसको प्ले करता हूँ, फिर ये वर्चुअल हॉल वाली बटन 2-3 बार दबा के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने 3-4 बार इस वर्चुअल हॉल को प्रेस किया, यानी वर्चुअल हॉल का इफेक्ट दिखाया, तो क्या आपको कोई इफेक्ट समझ में आया होगा? अगर आपने ध्यान से सुना होगा साउंड में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। इस बटन का यूज करके हम लोग गाने में अपने इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आपके पास ये वाला कीबोर्ड कैसियो सीटी के 2550 हो तो इस बटन का यूज करके जरूर देखिएगा।